अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि रीड द डाटा इन द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो जो डाटा दिया हुआ है उसको हमको पढ़ना है और इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर देना है। तो सबसे पहले डाटा को समझते हैं। देखिए डाटा है कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड स्टील इन इंडिया, कि जो फिनिश्ड स्टील है या लास्ट स्टील जो बनता है उसका टोटल प्रोडक्शन भारत में कितना हो रहा है। अब इसमें देखिए, इसमें जो ईयर है ना 2015-16 में, ये 106.60 मिलियन टन्स है ना, ये सब मिलियन टन्स में है जो प्रोडक्शन है वो। 16-17 में देखिए बढ़ गया, 120.14 हो गया। 17-18 में देखिए 126.85 हो गया। तो यहाँ तक देखिए ये 3 साल में बढ़ा है। उसके बाद ये क्या हो रहा है, गिर रहा है ना। 18-19 में देखिए ये 126.85 से गिर के 101.29 हो गया, और 2019-20 में स्लाइटली ये बढ़ा हुआ है 102.62। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कंपेयर द 2015-16 एंड 2019-20 डाटा एंड गिव एनी वन रीजन फॉर द रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन 2019-20। तो देखिए, जैसे हमने इसमें समझा है कि जो रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है 2019-20 में स्टील का, उसका क्या रीजन हो सकता है उसको यहाँ पे हमको बताना है। तो देखिए, इसके आंसर हम लोग लिख सकते हैं। मान लीजिए आंसर दिमाग में नहीं भी आ रहा है तो एक रीज़न तो है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, कास्ट जो है ना, इनपुट जितने भी हैं उनके बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं पहला हाई कॉस्ट, ठीक है, एक ही रीज़न पूछा है, यहाँ पे मैं दो लिख दिया हूँ, कोई भी एक लिख सकते हैं आप लोग। सेकेंड है लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल, कि जो कोकिंग कोल है ना वो भी अवेलेबल नहीं हो पाया, उसके कारण क्या हुआ कि जो स्टील का प्रोडक्शन है वो कम हो गया। अब इसमें देखिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि वाइज प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्टील कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। तो देखिए, इस क्वेश्चन में जानना चाह रहा है कि जो प्रोडक्शन है या पैदा होना है, कंजप्शन माने खपत है इसका, स्टील का, किसी देश के डेवलपमेंट का एक सूचक या इंडेक्स माना जाता है। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है इसको समझना कि स्टील जो है ना बैकबोन है किसी इकोनॉमी का। अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो इंडिया का डेवलपमेंट जो है ना बेसिकली स्टील का कंजप्शन से है, चाहे रेलवे लाइन हो, चाहे घर का बनना हो, हर जगह स्टील यूज होता है। तो इसीलिए स्टील का जो खपत है और उसका जो उत्पादन है उसको माना जाता है कि कंट्री जो है ना उतना ज़्यादा डेवलप कर रहा है। तो इसके आंसर को लिखेंगे कि द स्टील प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। कि जैसे मैंने अभी बताया कि जितने भी स्टील के उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, वो कच्चे सामान के रूप में काम आते हैं अलग अलग इंडस्ट्री में। मान लीजिए कोई बर्तन बना रहा है तो बर्तन बनाने के लिए क्या करेगा, वो स्टील लेगा। उसके बाद देखिए सेकेंड है इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट, और साथ ही साथ अगर आप एक्सेस प्रोडक्शन करते हैं तो जो भी फिनिश्ड गुड आप बना रहे हैं या रॉ स्टील को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उससे भी आपका जो इनकम है वो बढ़ता है।